दुआ करो इस टाइम पे भाई। मैं अभी इस टाइम पे करगिल पहुंचा हुआ हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं भाई। ठीक है ना, एकदम अचानक से भाई अभी। गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो कैसे आप सभी लोग, आई होप ठीक ही होंगे। सो गाइस आज का जो व्लॉग है वो है आमिर भाई के ऊपर। सो गाइस मैंने सुना ना कि आमिर भाई का जो चैनल है वो डिलीट हो चुका है। सो गाइस मुझे ये सुन के काफ़ी दुख हो रहा है कि आमिर भाई का चैनल डिलीट हो गया। और भाई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और गाइस मतलब इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे उनके, अभी 3 मिलियन सब्सक्राइबर पहुँच गए थे। तो गाइस यार अगर मेरी ऐसा कोई बंदा होता तो उसको हार्ट अटैक किया जाता। मगर फिर भी आमिर भाई हिम्मत कर रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं। सो गाइस सारे प्रे करना कि आमिर भाई का जो चैनल है वापस आ जाए। तो गाइस अभी आमिर भाई ने यूट्यूब को भी रिक्वेस्ट डाली है कि 7 घंटे के बाद क्या होता है देखते हैं, पता चलेगा। सो गाइस सारे प्रे करना और भाई देखो सपोर्ट करना, बस इतने कहते हैं भाई यार। YouTube चैनल ओपन किया बट भाई वहां पे ओपन ही नहीं हो रहा। क्रिएटर स्टूडियो पे एक ही चीज आ रही है, डू नॉट एग्जिस्ट। अभी मैं 500 बार लॉग इन कर चुका हूँ बट भाई कोई पता ही नहीं है कि भाई चैनल कहाँ चले गया। रात को ही वीडियो भाई मैंने अनलिस्टेड करके डाला था एंड समझ ही नहीं आ रहा भाई एकदम अचानक से क्या हो गया। सो अभी भाई मैंने मेल वगैरह किया यूट्यूब वगैरह को, होपफुली चैनल जो है गाइस विद इन 6 या 7 आवर्स वापस आ जाए भाई। ऐसा भाई दुआ करो इस टाइम पे भाई। मैं अभी इस टाइम पे करगिल पहुंचा हुआ हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं भाई। ठीक है ना, एकदम अचानक से भाई अभी। आमिर माजिद भाई मेरी ये वीडियो देख रहे ना भाई, आपकी बहुत ज्यादा मेहनत है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे भाई आपका चैनल। भाई आपको ना दिल से प्यार है भाई, आपको दिल से सपोर्ट करते हैं भाई। आप उस लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो जम्मू कश्मीर को, मतलब सोच नहीं सकते आपको देख के ना आज जम्मू। सो गाइस आमिर भाई के लिए सारे दुआ करना। और गाइस जो हम जो मतलब आमिर भाई के साथ होगा तो हम आपको बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना।